भाई वाई पे तो 25 के मेगा ऑक्शन मात्र 3 से 4 दिनों का समय बचा हुआ है और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आईपीएल 2025 की महानीलामी, जहां पे आप और यहां पे जितने सभी फैंस हैं वो आईपीएल का वेट करेंगे, क्योंकि उनके फेवरेट प्लेयर कितने पैसे में जाते हैं यही सबसे बड़ा यहां पे चैलेंज रहने वाला है। और गाइस आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आईपीएल 2025 के टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव बैट्समैन के बारे में। तो गाइस वीडियो काफी डिटेल है, काफी इंटरेस्टिंग है, अभी फ्लिक पूरा इंटरनेट देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस जो सबसे पहले बैट्समैन रहने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा इनकी प्राइस जाती हुई नजर आएंगी, ये रहने वाले हैं जॉस बटलर। जॉस बटलर की बात कर लें तो ये पहले नंबर पे ही आते हुए नजर आएंगे, ये पहले सेट पे ही आते हुए नजर आएंगे और मेरे ख्याल से इनका जो प्राइस है वो 20 करोड़ के ऊपर जाता हुआ आराम से नजर आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इनका जो नाम है आईपीएल में, जो सिक्का है आईपीएल में, वो काफी तेजी से चलता है। और अगर बात करें इनका प्रीवियस रिकॉर्ड, ये चीख चीख के कहता है कि ये प्लेयर अपने आप में मैच विनर है। और यही पे अगर बात कर लें तो जॉस बटलर आराम से 20 करोड़ के ऊपर जाते हुए नजर आएंगे और मेरे हिसाब से ये सबसे पहले बैटर रहने वाले हैं जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव के लिस्ट में आते हुए नजर आएंगे। दूसरे बैटर की बात करें तो यहां पे नाम है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के बारे में मिस्टर आईपीएल ने खुद बोल दिए हैं कि इनकी जो प्राइस है वो 25 करोड़ के ऊपर जाएगी। तो यहां पे अब किसी को कुछ बोलने की ज्यादा जरूरत रहने वाली नहीं है, क्योंकि वो प्लेयर किस औहदे पे है, किस मार्जिन पे इस टाइम पे, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं रहने वाली है। क्योंकि ऋषभ पंत भले ही अभी 2-3 साल से इनका आईपीएल में फॉर्म, टी20 आईएस में फॉर्म अच्छा नहीं है, बट ऑलरेडी इनका परफॉर्मेंस बेटर निकल के आ रहा है। लेकिन वही बात कर ले तो चैलेंज काफी ज्यादा रहने वाली है। दिल्ली कैपिटल्स भी इनके पीछे, बात कर ले तो प्राइस लगाती हुई, पैसा लगाती हुई नजर आएगी, बट मेरे हिसाब से अगर बात कर ले तो ऑलरेडी इनका जो हाइप है वो बना हुआ है और ये 25 करोड़ के ऊपर जाएंगे। तो गाइस अगर बात कर ले अगले प्लेयर के बारे में, लेकिन उसके पहले बात कर ले तो आईपीएल ऑक्शन में मात्र 3 दिनों का समय बचा हुआ है और आपको फटाफट से टेलीग्राम पे चले जाना है। टेलीग्राम पे 10 से ज्यादा एडमिन ऑलरेडी तैयार है रोज न्यूज देने को, 50 से 60 न्यूज ऑलरेडी टेलीग्राम पे आते हैं। मॉक ऑक्शन कल होने वाला है, तो जो लोग भी रजिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेशन नहीं किए हैं फटाफट से वो कर ले मॉक ऑप्शन के लिए। और उसके साथ बात कर ले तो यहाँ पे रोज काफी अच्छी काफी रोज लाइव आते हैं, तो फटाफट से चीजें करिए, चलो उसको आगे कर लीजिएगा। लेकिन जो लिंक आपको वो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगले अगर बैटर की बात करें तो KL राहुल। राहुल भले ही उनका फॉर्म अच्छा ना हो, आईपीएल में 2-3 साल अच्छे नहीं गए हो, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया हो, स्ट्राइक रेट नीचे गिरा हो, एवरेज नीचे गिरा हो, बट फिर भी एज अ इंडियन प्लेयर इनका प्राइस काफी ज्यादा हाई जाएगा, क्योंकि 3 से 4 टीमें इनके पीछे ऑलरेडी भागने वाली हैं। उसमें दिल्ली भी रहेगी, उसमें आरसीबी भी रहेगी, उसमें 2-3 टीमें और रहेंगी, और आरसीबी के पास पर्स ज्यादा है, वो लोकल बॉय को घर लाने के लिए बेशक तैयार है। तो यही बात कर ले तो इनका भी प्राइस हाई जाएगा और ये तीसरे बैटर रहने वाले हैं। चौथे बैटर की बात करें श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की प्राइस इन कंपेरिजन ऑफ 3 प्लेयर्स इनकी उतनी ज्यादा हाई नहीं जाएगी, बट एज अ कैप्टन जो टीम कैप्टेंसी के लिए प्लेयर्स ढूंढती हुई नजर आ रही है, इस तरीके से इनकी प्राइस ऑलरेडी वो हाई कर देंगे। वहां पे काफी पंजाब की टीम सामने आ रही है, आरसीबी की टीम सामने निकल के आ रही है, 3-4 टीमें हैं जिनको कप्तान की जरूरत है और वो श्रेयस के पीछे जाएंगे, और इसलिए श्रेयस की जो प्राइस है वो ऑलरेडी हाई हो जाएगी। वो सामने दिख नहीं रहा है, चीजें अंडर रेट किया जा रहा है, बट ऑलरेडी जाने वाली है। अगले और लास्ट प्लेयर की बात कर ले फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट का जैसे 2-3 साल फिलहाल गए हैं, जिस तरीके का टी20 आईज में फॉर्म है, जिस तरीके सेंचुरी पे सेंचुरी जड़ रहे हैं, मेरे हिसाब से ये दूसरे वो ओवरसीज बैटर रहने वाले हैं जिनकी प्राइस काफी ज्यादा हाई जाएगी बटलर के बाद, क्योंकि इनके पीछे भी टीमें पर्स लेके काफी तेजी से भागेंगी और इस बार सभी टीमों के पास ऑलरेडी 120 करोड़ की धनराशि है जो कि लुटाते हुए वो नजर आएंगे। और ऐसे बात कर ले तो फिल सॉल्ट वो प्लेयर रहने वाले हैं जिनके पीछे उतने पैसे लगते हुए आसानी से नजर आएंगे। और ये फाइनल 5 प्लेयर रहने वाले हैं जिनके पीछे यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि काफी ज्यादा प्राइस हाई जाने वाली है। सो गाइस आप बताइएगा कि इन 5 में से कौन से प्लेयर्स की प्राइस काफी ज्यादा हाई जाएगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर दीजिएगा। वीडियो लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो फिलहाल ज्वाइन करते हुए अपने एनालिसिस के साथ।